इंदौर में विधायक संजय शुक्ला ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा किया और कोरोना मरीजों और उनके परिवारजनों का हालचाल जाना और उनके परिवारजनों की पीड़ा सुनी। विधायक शुक्ला ने अस्पतालों में दवाओं की कमी पर चिंता जाहिर की। क्षेत्र क्रमांक एक के विधायक और महापौर पद के प्रत्याशी संजय शुक्ला ने इंदौर के समस्त सरकारी अस्पतालों का दौरा किया। शुक्ला पीपीई किट पहनकर अस्पतालों में गए। विधायक शुक्ला ने कोरोना मरीजों के वार्ड में जाकर उनसे मुलाकात की और उनके परिजनों के साथ हो रही परेशानी को जाना। विधायक शुक्ला ने बताया कि सबसे ज्यादा समस्या मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने से आ रही है। 850 रुपए का इंजेक्शन 4 से 5 हजार रुपए में मिल रहा है। इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, उसके बाद भी मरीजों को बाजार में इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। विधायक संजय शुक्ला ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा जो 700 करोड़ रुपए कोरोना के नाम पर दिए गए वो पैसा कहाँ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपवास की बजाय हॉस्पिटलों का दौरा करें और मास्क पहनाने की जगह इंजेक्शन की व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री जी को स्वास्थ्य विभाग के अमले को आदेशित करना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी प्रतिदिन हॉस्पिटलों का दौरा करें। शहर के सरकारी अस्पतालों में COVID-19 महामारी के चलते सारी व्यवस्थाएं भंग हो चुकी हैं। दूसरा घरा जो मरीजों में मिला, सीरियस से मिला, वेंटिलेटरों से मिला, ऑक्सीजन वालों से मिला, जिन लोगों को सिर्फ इंजेक्शन लगाने के लिए यहाँ लाया जाता वो रूम भी देखा, व्यवस्था तो वो अच्छी है, परंतु सरकार द्वारा जो 700 करोड़ रुपये गरीबों के लिए भी दवा के लिए मिलेंगे और दवा के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है और मार्केट से दवा लाना पड़ती है, इंजेक्शन लाना पड़ रहा है। जो मात्र 888 रुपये का इंजेक्शन है वो 2-2.5 हज़ार रुपये में बेचा जा रहा है। और गोकुल दास के सामने एक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं अग्रवाल जी, वो लगातार 5-5 हज़ार रुपये इंजेक्शन वगैरह उनको मिल रहे हैं, परंतु आम गरीब लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। तो इसकी मैं निंदा करता हूँ और आदि मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि आप जो उपवास पर बैठे, उपवास पर ना बैठते हुए आप इन लोगों की दवा की व्यवस्था कराएं और मरीजों की व्यवस्था कराएं, क्योंकि जो मरीज मर रहे हैं यहाँ पे लगातार मरते जा रहे हैं, उसके अलावा जो लोग दवा से मर रहे हैं उसकी चिंता मानना पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा गरीब लोग दवा नहीं मिल रही है, जो अमीर लोग हैं उनको दवा मिल रही है और जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वहाँ पे 5-10 हज़ार में इंजेक्शन मिल रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।